दुर्भाग्य है जमीनी हकीकत कुछ दूसरी थी, नतीजे कुछ दूसरे आए। भाजपा को लाडली बहना का फायदा नहीं मिला है। अगर ऐसा होता तो नरोत्तम मिश्रा कैसे चुनाव हार जाते? यह कांग्रेस की हार है। सिर्फ एक नेता कमलनाथ को दोष नहीं देना चाहिए, यह हम सब की हार है। आपको बता दें, यह बयान कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं चुरहट विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अजय सिंह राहुल ने भोपाल जाते वक्त सतना रेलवे स्टेशन में दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अंदर से नैतिकता के आधार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ को इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में अजय सिंह द्वारा कमलनाथ का बचाव करना प्रदेश कांग्रेस में नई सियासी हवा की तरफ इशारा कर रहा है। यहां यह भी बता दें कि चुनाव में कमलनाथ ने अजय सिंह को किनारे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर कमलनाथ के घर भोपाल में बुलाई गई समीक्षा बैठक में क्या गुल खिलेगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। बड़ा जनादेश मिला है, क्या आप मानते हैं इसको, आप किस तरीके से देखते हैं? आप इसका विश्लेषण करेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश के जो लोग चुनाव लड़े थे उनसे चर्चा के उपरांत ही कुछ बात कह सकता हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरह से जमीनी हकीकत कोई दूसरी थी और नतीजे कोई दूसरे रहे। प्रदेश के जो बड़े बड़े दिग्गज भी थे वो भी हार गए, इसके बारे में क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं इसको? मैंने पहले ही कहा कि इसको अध्ययन करने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। बीजेपी को लाडली बहना का फायदा मिल गया क्या? मुझे तो नहीं लगता है सिर्फ लाडली बहना का ही फायदा हुआ है, लेकिन लाडली बहना का फायदा होता तो नरोत्तम मिश्रा कैसे चुनाव हार जाते? अच्छा, पार्टी में जो बागी नेता थे उनका भी ये कहना है कि ये जो हार हुई है ये कहीं ना कहीं कमलनाथ की हार है और उसको लेकर उन्होंने सीधे तरफ उड़ा है। क्या कांग्रेस पार्टी की हार है और उसमें किसी एक नेता को दोष नहीं देना चाहिए, हम सब की हार है।